सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 9th क्लास में आज हम पढ़ेंगे सॉलिड ज्योमेट्री का प्रश्न नंबर 12, समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने आधार पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है और आधार भूमि धरातल के समानांतर है, भुजा 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा शुंडाकार का पहला प्रश्न है। अभी तक हम जो है वो घनक्षेत्र बना रहे थे, घनक्षेत्र का कार्य कर रहे थे। हमें प्रश्न दिया हुआ शुंडाकार, तो हमने ये कैसे बनाने, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई रेखा ले रहे हैं इस तरह से, ये हमारी है एक्स, ये हमारा है वाई, और हमने क्या करना है इसके बीच में जो रेखा के बीच में 3 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर की जो है वो हमने रेखा लेनी है। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं इस तरह से, सेंटर में बिल्कुल मैंने लिया है, इस तरह से हम 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं यहाँ पे। अब ये है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो होता है 60 डिग्री का, तो हम यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ से एक एक सेंटीमीटर नीचे को हमने डॉटेड लाइन लगानी है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ भी हम एक एक सेंटीमीटर इस तरह से, आप देख सकते हैं ये हमारी आधा रेखा आ गई है 3 सेंटीमीटर, ये है हमारी आधा रेखा इस तरह से, इसके ऊपर हमने यहाँ पे एंगल बनाना है। तो ये हमारा है ए और बी, तो इसके ऊपर जो त्रिभुज बनेगा उसका जो एंगल हम बनाएंगे वो 60 डिग्री का होगा, तो ये हमारा 60 डिग्री है। तो इस तरह से हम यहाँ से रेखा ले लेंगे, इस रेखा को हम काटेंगे 3 सेंटीमीटर यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, और इसको हम मिला देंगे ए के साथ इस तरह से, ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया, ये हमारा है सी। अब हमने क्या करना है, इसका पहले हमने हाफ करना है इन सभी जो हमारे ये भुजाएं हैं, आपका कोण है, इन कोणों का और इन भुजाओं का हाफ होगा, क्योंकि कोण और भुजाएं बराबर है, जितनी लंबी एक भुजा उतनी सारी, और जितना एक कोण है उतने ही दो कोण और भी इसी तरह से। तो हमने इसका आधा करना है, तो हम कोणों को ना करके कर भुजाओं का आधा करते हैं, और हम भुजाओं का आधा कैसे करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा 3 सेंटीमीटर, तो हम 1.5 सेंटीमीटर पर यहाँ निशान लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ भी हम 1.5 सेंटीमीटर पर निशान लगा देते हैं, ये आपका एक है तो ये आपका 1.5 आ चुका है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ भी हम 1.5 सेंटीमीटर में निशान लगा देंगे इस तरह से। तो हमने क्या करना है, जैसे हमने इसका आधा करना है यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे आधे तक तो हम इसको डार्क मिला देंगे इस तरह से, और ऊपर हम इसको ऐसे डॉटेड मिला देंगे, बाद में हमने इसका प्रोजेक्शन भी लेना है। इस कोण का यदि हम आधा करते हैं तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कर दिया है, और इस कोण का यदि हम आधा करते तो हमने इसको यहीं पे मिला देना, जहाँ दो कोणों की रेखाएं मिल रही है, तीसरा कोण की रेखा अपने आप यहाँ तक आ जाएगी इस तरह से, ये हमारा पॉइंट आ गया ओ। क्यों हमारे को इसका सेंटर निकालना पड़ा, क्योंकि ये शुंडाकार है, और शुंडाकार का सेंटर निकाले बिना हम इसका कार्य कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अब हमने क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन जो है वो बीच वाला हम उठाएंगे ऊपर 90 डिग्री पे, और ये 5 सेंटीमीटर पे होगा। अब हम सारे ही ऊपर नहीं इसके हमने उठाने हैं, क्योंकि पैरेलल भी है, समानांतर रेखा पे है, तो इस तरह ये हमारा जो है सेंटर है इसको हम उठाएंगे 5 सेंटीमीटर तक, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा आ रहा है ये ओ यति के साथ है, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है ये ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी है इस तरह से, आप देख सकते हैं ये ओ है तो ये हमारा ऊपर चला गया। अब हमने बी को और ए को जो है इसके साथ तिरछा यहाँ पे इस तरह से हमें इसको मिला देना है, क्योंकि शुंडाकार, तो शुंडाकार में मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसके आधार तल कुछ भी हो सकता है, ऊपर शीर्ष जो है वो शीर्ष पे सारी भुजाएं
एक सिरे पे मिलेगी, और जैसे त्रिभुज है तो इसमें तीन सम द्वि बाहु त्रिभुज बनेगी। तो ये प्रश्न नंबर आपका 12 है, ये आपका बन के तैयार हो।